Good morning everyone. I am Anji and she is my dear Alishka from Dr. Bhimrao Ambedkar SSC Yamunavihar. So welcome to Aquatic Heaven, where we invite you in and back on the journey beneath the waves. I am delighted to introduce our project. This is a visionary project which is used as a revolutionized dining experience in a unique way. So Aquatic Heaven is not just a cafe, it's a sanctuary beneath sea. Our guests will escape from the ordinary life and will immensely get into the world of wonder, a world where they'll introduce and they'll interact with marine life. So जैसे कि आप हमारा project देख सकते हो, हम लोगों ने एक तरीके से एक marine life को दिखाने की कोशिश करी है. It's a cafe जो कि underground है. आजकल की बिजी लाइफ में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं, दे आर सो इनटू ग्लैम एंड लाइट, वो नेचर की पीस से दूर होते जा रहे हैं. रिसर्चर्स का कहना है कि इंसान के लिए सबसे बेस्ट वे टू गेट पीस इज नेचर, और हम लोग नेचर से ही दूर होते जा रहे हैं, देन हाउ विल वी गेट पीस. तो हम लोगों ने यही सोचकर इसको बनाया. इसमें क्या है, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अंदर होंगे एंड आसपास एक बहुत ही मरीन लाइफ का जो लाइफस्टाइल है वो दिखाया गया है. साइड में यहाँ पर सॉइल होगी, अभी सॉइल अवेलेबल नहीं थी तो उसने हमने इस तरीके से दिखाया है. इट विल बी अंडरग्राउंड. ठीक है, सो हेलो, सो दिस इज अंडर वाटर प्रोजेक्ट जो कि हमने अंडरग्राउंड बनाने की कोशिश की है. सो जो हमारा कैफे है दो कंसेंट्रेटेड क्लास के बिटवीन है. सो जो आउटर स्टेंस है उसमें हमने एक वाटर भरा है, मतलब इसमें भी हमने क्लीन करता. सो ये हमारा वाटर प्रोजेक्ट है और इसके अंडर है कैफे. सो ये कैफे डोनेट करता है, मतलब डिनोट करता है ओशंस को. इससे हमें काफी पीसफुलनेस मिलती है और ये काफी यूनिक प्रोजेक्ट है एज वेल एज अभी ये बनाया भी नहीं गया, बहुत कम फर्स्ट टाइम. सो ये प्रोजेक्ट काफी टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करता है, ऐसे हमने इसको कम्बाइन किया है टेक्नोलॉजी से. सो इसमें हमने जो हमारा आउटर शेल होगा ग्लास, उसमें हमने प्रेशर सेंसर्स लगाए हैं और भी बहुत सी ऐसी चीजें लगाई हैं, वाटर प्रूफ कंपोनेंट्स जिससे प्रिवेंट करता है कोरोजन को और शॉर्ट सर्किट को. और इसमें हमने एक और कंपोनेंट लगाया विच इज GFCI विच इज स्टैंड फॉर ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर. सो जो है जब हमारे ग्राउंड में कोई भी फॉल्ट आता है तो ये उसको कट ऑफ कर देता है, जिससे हमारे सिक्योर रहता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती. देन हमने जो इसकी सेफ्टी के साथ एनहांसिंग पे भी काफी फोकस किया है. सो इसमें हमने एक और कंपोनेंट लगाया विच इज HCAC. सो ये जो है कंट्रोल करता है इसकी वाटर की ह्यूमिडिटी को, उसकी क्वालिटी को, एयर कंट्रोल को. सो इन सबका वो फ्यूचर ध्यान रखता है और उसको लाइटिंग वगैरह से कम्बाइन करता है ताकि और इंटरेस्टिंग हो, काफी अच्छी. आज हम लोग इंटर्नशिप पे हैं और जो सब हमने सीखा है हम इसे दिखाना चाहते थे, तो हमने इसमें एक और प्रोजेक्ट कंबाइन करा है जिसमें कि हम लोगों ने RGB लाइट और बटन यूज किए हैं. तो बेसिकली ये एक तरीके का फीडबैक होगा जो कि रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, हर एक कस्टमर को पर्सनली असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट नहीं हो सकता, वेटर नहीं हो सकता. तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को दिखाया जहाँ हम लोगों ने बेसिकली एक RGB है जिसमें तीन लाइट्स होती हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन. तीनों लाइट्स एक अलग अलग मैसेज को रिप्रेजेंट कर रही है. ग्रीन लाइट का कहने का मतलब है दे आर हैप्पी विद देयर सर्विस. रेड का कहना है कि जो भी कोई ऑर्डर है या तो वो लेट है और दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेस्टोरेंट विद द सर्विस. एंड ब्लू मीन्स ओके ओके दैट एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, दे आर नॉट लाइक एंजॉयिंग इट. तो हम लोग आपको एक इसका स्टिमुलेशन दिखाएंगे. सो ग्रीन लाइट जिसका कहना है कि जो जो भी उनका खाना है, जो भी उनका ऑर्डर है, उन्हें वो बहुत पसंद आया. रेड मीन्स की जो ऑर्डर है उसमें कुछ डिले था या फिर जो कस्टमर है वो उनकी सर्विस के साथ सेटिस्फाइड नहीं है. कस्टमर जो है वो सर्विस के साथ ओवरऑल बहुत खुश है. तो बेसिकली हमारा जो ये प्रोजेक्ट था ना, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हम लोगों ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और पीसफुल माइंडसेट को लेकर इसे बनाया. हमारे जो कस्टमर्स हैं वो मरीन लाइफ के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और इसमें इवन हमारी SDGs भी इन्वॉल्व है. सबसे पहले SDGs में क्लाइमेट एक्शन था, क्योंकि आजकल की लाइफ में क्या है, जो मरीन एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, हम लोग उनको एक हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं
और एक इस तरीके का हैबिटेट जो उनके लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ हमारे जो कस्टमर्स है, हमारे जो गेस्ट है, वो भी उनको एक तरीके से एंजॉय कर पाएंगे एंड दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज रहेगी, मतलब किसी को कोई हार्म नहीं होगा एंड इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। सो जो ये प्रोजेक्ट है इसमें हमने जो हमारे वो है वेटर्स, एजेंसी वेटर्स और स्टाफ, सो जो हमारा स्टाफ है उसको हमने स्पेशल पीपल से डील होती है, मतलब वैल्यूड पर्सन जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, क्योंकि जो उनकी लाइफ होती है वो बहुत डिपेंडेबल होती है, वो किसी ना किसी पे डिपेंड होती है, तो उनके साथ कोई पर्सन होता है। सो जो हमने कैफे है उनके भी काफी यूजर एक्सपीरियंस के लिए, एज इन इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं होगी, ऑल इशारा और LCDs थ्रू हाँ वो देख के उन कस्टमर्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं और इससे काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस होगा, वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। इवन इसमें एक SDG ऑल इन्वॉल्व है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, तो ये प्रोजेक्ट ओवरऑल एक ऑलराउंडर रहने वाला है। सो होप सो आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।